Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. Sorry for the inconvenience you have faced because of technical problem, but this article is very important, so we cannot leave this without discussion. So here is the first article or last article of the day. What makes us different? क्या है जो हमें अलग बनाता है? Okay, ये हमारा article है पूरा language के सेंसस के बारे में, जो हमारा लैंग्वेज सेंसस होता है, ये आर्टिकल पूरा उसके बारे में है. आइए डिस्कस करते हैं इसको. अमंग द थिंग्स दैट मेक ह्यूमंस ए डिस्टिंक्ट स्पीसीज, वो चीज़ जो इंसान को दूसरी स्पीसीज से अलग बनाती है, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज मेड ऑफ वर्बल आइकॉन रैंक्स वेरी हाई. ये हमारी एबिलिटी है जो लैंग्वेज की, जो वर्बल तरीके से जो हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम वो ह्यूमन को सब लोगों से अलग बनाती है. सो द एबिलिटी टू स्पीक इज नॉट नेचर गिफ्ट. यहाँ पे जो राइटर है वो बोलता है कि जो एबिलिटी है बोलने की वो नेचर गिफ्टेड नहीं है. कैसे आगे बताएगा वो भी. ह्यूमन कम्युनिटी हैड टू स्पेंड सेवरल मिलेनिया टू एक्वायर इट्स थ्रू एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस एंड अनपैरेलल्ड अमाउंट ऑफ मेंटल वर्क. ये जो ह्यूमन कम्युनिटीज ने इतना टाइम, इतने लाखों साल हमने स्पेंड किए हैं, तब जाके इतने एक्सपेरिमेंट के साथ, इतने मेंटल वर्क के बाद हमें जाके ये लैंग्वेज, ये साइन, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप का कल्चर हम लोग डेवलप कर पाए हैं. देखिए, अगर हम ये इनबिल्ट सिस्टम होता या मतलब गॉड गिफ्टेड होता तो ये जो लैंग्वेज आज के टाइम में है ये बहुत सालों पहले डेवलप हो चुकी होती. तो जो राइटर है वो यहाँ पे बोलता है कि ऐसा नहीं है, इंसान की खुद की मेहनत है और ये इंसान का खुद का कल्चर है, खुद की धरोहर है. इट वुड बी एंटायरली अप्रोप्रिएट टू व्यू लैंग्वेज एज ए कल्चरल प्रोडक्शन एंड नॉट गॉड गिवन. इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि जो लैंग्वेज है हमारी वो हमारा खुद का कल्चरल प्रोडक्शन है, ना कि ये गॉड गिवन है, गॉड गिफ्टेड है. A given language therefore need to be seen as a cultural heritage and intangible possession. इसीलिए जो लैंग्वेज है, जो हम लैंग्वेज अपनी मातृभाषा जो या सबकी मदर टंग होती है, जो हम बोलते हैं, वो उस पर हमारा क्या है, इनटेंजिबल प्रोसेस है. इनटेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते या उसे छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं सिर्फ, दैट इज इनटेंजिबल. ठीक है, नेक्स्ट आता है अ कल्चरल पोजेशन. ये हमारा एक कल्चरल पोजेशन है, इस पे हमारा हक है, ये हक हमसे कोई नहीं ले सकता, बिकॉज ये हमारी क्रिएशन है. फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव द कम्युनिटीज राइट टू इट्स लैंग्वेज बिकम एन नॉन नेगोशिएबल राइट टू कल्चरल पोजेशन. इन्होंने बोला है जो कम्युनिटी है उसके लिए तो ये एक नॉन नेगोशिएबल राइट है. नॉन नेगोशिएबल मतलब जिसपे Nobody can talk anything, nobody can say anything. जिस पे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो आपका ही राइट है, वो उस कम्युनिटी का ही राइट है. सिमिलरली द स्टेट ऑब्लिगेशन टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द राइट टू बिकम अ नॉन नेगोशिएबल ड्यूटी. लेकिन स्टेट ने ऐसा कैसे मान लिया भाई कि ये राइट उनके लिए भी नॉन नेगोशिएबल ड्यूटी है, कि ठीक है जो लैंग्वेज, जो इंसान जहाँ की कम्युनिटी बोल रही है, ठीक है उसको बचाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है. तो स्टेट भी आज के टाइम में ये मान के चल रही है कि जो चल रहा है वो चलने दो, जैसा हो रहा है उसे होने दो. यूनेस्को हैज बीन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज एन इनअलाइनेबल कल्चरल राइट. सबसे पहले जानिए कि यूनेस्को क्या होता है. यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये मतलब है यूनेस्को का. और जो इसकी फुल फॉर्म है वही इसके फंक्शन भी बता रही है. देखो ये किस पे काम करता है, यूनाइटेड नेशंस है, वो काम कर रही है किस पे, एजुकेशन पे, साइंटिफिक जो वर्क है उस पे, और जो कल्चरल
राइट्स हैं हमारे उस पे, ये यूनेस्को के फंक्शंस है, यूनेस्को के काम है। तो यूनेस्को ने बोला है इट हैज ऑलरेडी बिल्ट इनटू द चार्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि जो हमारा चार्टर बन चुका है यूनेस्को का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसमें ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है और इंडिया इसका क्या है, फॉर्मल साइनेटरी है इस चार्टर का। आगे देखते हैं, Against this background, it's appear not just strange, but even shocking that the information related to language data continue to be kept away from the public gaze. इन्होंने बोला है कि अगर हम बैकग्राउंड को देखें और आज के टाइम को देखें तो इट्स नॉट स्ट्रेंज, ये कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन आज की जो रियलिटी है उसको नज़दीक से देखें तो ये बहुत शॉकिंग है कि हमें अपने कल्चर के बारे में, हमें अपनी लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और उस पब्लिक को जो टकटकी लगा के बैठी है, मतलब जो इंटरेस्टिंग है उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, स्टिल दे आर अनअवेयर अबाउट देयर कल्चरल, देयर लैंग्वेजेस एंड देयर राइट टू इंफॉर्मेशन। द लैंग्वेज डाटा ऑफ 2011 हैव still not been made available to the citizen who use those languages. 2011 के बाद जो data आया है उस, मतलब 2011 का जो census हुआ था उसके बाद अभी तक हमें कोई data available नहीं हुआ है, उन लोगों को भी नहीं हुआ है जो उन language को बोलते हैं, उनको भी नहीं पता कि उनकी language कितने area में बोली जाती है, क्या उनकी language का status है, still they are unaware of that fact. ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, कॉलोनियल टाइम क्या होता है, कॉलोनियल टाइम बताती हूँ, पहले जब ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश रूल करते थे, अंग्रेज लोग रूल करते थे, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को क्या किया था, कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया था, छोटी छोटी कॉलोनीज में पूरी कंट्रीज को जहाँ पे उनका रूल था डिवाइड किया था, तो इन कॉलोनीज को क्या इन कॉलोनीज वाले टाइम को बोलते हैं कॉलोनियल टाइम्स। During the colonial time, language was treated as a sensitive subject and was seen as a clause for breakdown of law. Colonial time पे language को बहुत sensitive subject माना जाता था, और माना जाता था कई बार किसी कानून को तोड़ने का reason भी उसे माना जाता था कि law and order को तोड़ रहे हैं, like आप हैदराबाद में या मैसूर में उस time के जाके आप भोजपुरी बोल रहे हो या कोई और other language बोल रहे हो, तो क्या होता था उस टाइम, उन लोगों की थिंकिंग, उन लोगों के सोचने का, रहने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया टोटली उनका प्रस्पेक्टिव अलग था आज के टाइम से। टुडे वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़, इट इज़ अ डेमोक्रेसी विच इज़ अ साइलेंट डेमोक्रेसी फ्रॉम वन साइड। इन आवर टाइम द सब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड बाई द होम मिनिस्ट्री, हमारे टाइम में भी क्या है, ये जो सब्जेक्ट है इसे कौन हैंडल कर रहा है, होम मिनिस्ट्री कर रहा है ना, कि इस एरिया के लोगों की भाषा ये है, ये वो वहाँ पे मतलब स्टेटस दे दिया गया है उस लैंग्वेज का, यहाँ पे ये वाली भाषा वाले लोग रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डाटा है हमारा ये, द कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब किसी चीज़ को हाइड करना, छुपाना, ऑफ लैंग्वेज डाटा बाई द सेंसस ऑफिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, लैंग्वेज डाटा को सेंसस ऑफिस द्वारा छुपाना कोई नया फिनोमिना नहीं है, नई चीज़ नहीं है, इट डेट बैक्स टू द 70, ये 70s के टाइम से चला आ रहा है। द लास्ट टाइम ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ लैंग्वेज क्लेम ड्यूरिंग द सेंसस एज मदर टंग वॉज डिस्क्लोज वॉज इन 1961, जब मदर टंग्स डिस्क्लोज हो रही थी 1961 में, उस टाइम हमारे पास कंप्लीट लिस्ट आई थी किसकी, लैंग्वेजेस की, जितनी लैंग्वेज हमारी कंट्री में बोली जाती हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, और उसका क्या डाटा आया था कि 1652 नेम्स हमारे सामने आए थे, ठीक है, 1652 लैंग्वेजेस थी। आगे क्या होता है, 1970 ऑनवर्ड्स, इसके बाद 1971 के बाद द सेंसस डिसाइडेड, सेंसस ने डिसाइड किया नेम ओनली ऑफ दोज लैंग्वेजेस विच हैड मोर देन 10,000 स्पीकर, सिर्फ उन लैंग्वेजेस को मेंशन किया जिसके स्पीकर 10,000 से ज़्यादा थे, और रिजल्ट क्या रहता है उसका, कि जो 1971 का डाटा आता है वो आता है कि हमारे सिर्फ 108 लैंग्वेजेस निकल के आती हैं, पहले कितनी आती हैं, और 1652, कितना डिफरेंस है इसका। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है हमारा, तो इसको आप एक बार देख लेना।
आगे आता है बाय ट्रैशिंग द लैंग्वेज ऑफ कोस्टल कम्युनिटी. कोस्टल कम्युनिटी होता है जो समुन्द्र के किनारे लोग रहते हैं, कम्युनिटीज रहती है. नोमैडिक कम्युनिटी, चरवाहे या जो लोग बंजारे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज. द हिल कम्युनिटीज, जो पहाड़ों पे हिली एरिया पे रहते हैं. द आदिवासी कम्युनिटी, जो जंगल में या आदिवासी एरिया में रहते हैं. माइनॉरिटी मतलब उस चीज की संख्या रिप्रेजेंट करने वाले बहुत कम लोग है, दैट इज माइनॉरिटी. इन एवरी स्टेट वी आर एट वंस वायलेटिंग द यूनेस्को चार्टर. हर एक स्टेट में क्या हो रहा है, उस चार्टर का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है. By vandalizing the future of the post 2010 generation. ये बोल रहे हैं कि जो आप खुद देख लीजिए, जो आज की जनरेशन है, हम लोगों की भी जनरेशन है, उसको कितना अपने कल्चर के बारे में पता है. स्टिल अगर सब्जेक्ट भी आ जाता है, लाइक टॉपिक भी आ जाता है कि एक आपको आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में, स्टिल वी आर फाइंडिंग ब्रीफ नोट कि हमें कहीं से ब्रीफ नोट मिल जाए या बस काम पूरा हो जाए. फिर भी हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या पास ऑन कर सकते हैं, स्टिल वी आर अनअवेयर अबाउट आवर कल्चर. एक वर्ड हम बोल देते हैं बार बार, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया, बट हाउ इनक्रेडिबल आवर कंट्री इज वी एक्चुअली डोंट नो एट ग्रास रूट लेवल और एट हायर लेवल. चाहे मतलब किसी भी लेवल पे इंसान हो, चाहे नीचे वाले लेवल पे हो, चाहे हायर लेवल पे, किसी को आज के टाइम में अपने पूरे कल्चर की नॉलेज नहीं है. अ कंट्री दैट वॉचेस साइलेंटली एंड अनमूव्ड द स्प्रेडिंग अफेसिया. अफेसिया होता है बोलती बंद करना. इनवेरिएबली इनवाइट्स अपॉन इटसेल्फ ए कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी. बोल रहे कि ये जो साइलेंट तरीके से सब काम चल रहा है वो क्या है, वो एक साइलेंट, वो कॉम्प्रोमाइज्ड डेमोक्रेसी है. देखिए ऐसे ऐसे वर्ड्स आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं. कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी, लाइक गवर्नमेंट है ठीक है, जो उनको लगता है रिलीवेंट कि ये डाटा शो करना है वो शो कर दे रहे हैं, जो लगता है नहीं इसको हाइड कर लो उसको हाइड कर दे रहे हैं. सो व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इट इज, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी. मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल का नाम आपने सुना होगा, ही इज ए वेरी फेमस पोइट, फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन. उन्होंने कहा है इंडिया को डिस्क्राइब किया एज ए गुलिस्ता. गुलिस्ता बोला है मतलब गार्डन बोला है इन्होंने कि गार्डन होता है ये, सेक्रेड गार्डन है. एंड इंडियन एज द चिरपिंग बर्ड्स, और जो इंडियंस हैं उनको बोला ये चहचहाते हुए चिरपिंग बर्ड्स है, पक्षी हैं इसमें, हम बुलबुले हैं इसके और हम इसके बुलबुले हैं. इमेजिन, अब राइटर बोलता है अगर सोच लीजिए, इमेजिन हाफ द बर्ड सडनली फॉल साइलेंट एंड सिंग नो मोर. अगर ये जो इसके गुलिस्ता में ये जो पक्षी हैं, ये जो बर्ड्स हैं, मतलब वी ह्यूमन बींग, अगर इसके आधे से ज़्यादा लोग साइलेंट ही हो जाते हैं और कोई मतलब चिरपिंग नहीं करे, कोई सॉन्ग नहीं गा रहे, तो व्हाट काइंड ऑफ गार्डन विल इट बी, तो ये किस तरह का गार्डन होगा. हिस्ट्री शोज दैट कल्चरल एलिमेंट्स दैट अ स्टेट ट्राई टू सप्रेस एज इनकन्वीनियंट टू डू रिटर्न इन सम अनएक्सपेक्टेड फॉर्म दैट अपसेट द मोमेंट्री इक्विलिब्रियम. ये बोलता है कि हिस्ट्री बताती है कि कई ऐसे कल्चरल एलिमेंट है जो स्टेट क्या करती है, उस चीज को सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन हिस्ट्री ही इस चीज को आंसर करती है कि जब भी ऐसी कोशिश की गई है अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में रिजल्ट हमारे सामने आते हैं. जैसे अभी आया है एजिटेशन सच एज करंट वन ऑफ गोरखालैंड इन वेस्ट बंगाल कैन विजिट अदर स्टेट एज वेल. अभी जो गोरखालैंड का इशू चल रहा है वेस्ट बंगाल में, वो दूसरी स्टेट में भी ऐसे इशू उठ सकते हैं. देखिए जब ऐसे इशू उठते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें जब वो छोटे लेवल पे वो इशू उनको वहीं सॉर्ट आउट करते, लेकिन क्या करते हैं, नहीं फर्क पड़ता, ठीक है दो तीन आदमी मर गए, चार पांच आदमी मर गए, मीडिया थोड़ी बहुत कवरेज दे देगा उसको, नहीं कोई इस पर रिएक्शन होता, ना ही उस पर कोई एक्शन होता है. लेकिन जब वो इशू बहुत बड़े लेवल पे आता है फिर क्या होता है, अपोजिशन वहाँ पे लोगों के घर को विजिट करने लग जाते हैं, गवर्नमेंट स्पीचेस देने लग जाती है, फिर जब लगता है कि अब कोई हल नहीं निकलेगा तब जाके वो सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं. सी वी आर लिविंग इन अ कंट्री, और ये कंट्री क्या है, इस कंट्री को कहा गया है इंडिया इटसेल्फ हैविंग मैनी कंट्रीज. इस इंडिया में अपने आप में बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारा कल्चर है, तो सबको साथ रखने के लिए सब
के कल्चर का हमें ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। ये था आज का आर्टिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, आपको आपके जो विचार है या कोई सजेशन है वो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वाईफाई चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।